नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर स्टेशन से देह व्यापार की अंतरराष्ट्रीय टोली का पर्दाफाश, अब नीलाम होगी बकायेदारों की संपत्ति। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। मानव तस्करी और देह व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय टोली क्राइम ब्रांच के हाथ लगी। क्राइम ब्रांच तथा एटीएस दल ने मंगलवार की रात रेलवे स्टेशन पर छापा मारकर सूरत जा रही 9 महिला और एक पुरुष को पकड़ा है। इस टोली के सूत्रधार हाथ नहीं लगने से पुलिस प्रकरण को लेकर गोपनीयता बरत रही है। एटीएस को मंगलवार की रात हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में देह व्यापार तथा दूसरे अवांछित काम के लिए महिलाओं को सूरत ले जाने का पता चला। एटीएस ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को इसकी सूचना दी। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर क्राइम ब्रांच के डीसीपी चिन्मय पंडित ने स्टेशन पर कार्रवाई करने की योजना बनाई। चिन्मय पंडित की अगुवाई में एटीएस दल ने नागपुर स्टेशन पर दबिश दी। रात 10 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची। पुलिस को इंजन के बाद की बोगी में महिलाओं के होने का पता चला। उसके पास महिलाओं के साथ मौजूद व्यक्ति का फोटो भी था। उक्त व्यक्ति और महिलाएं बोगी में दिखाई देने पर पुलिस भी चकरा गई। उससे एक एक कर अन्य बोगियों की भी तलाशी ली गई। करीब आधा घंटे की छानबीन के बाद ट्रेन के पिछले हिस्से की बोगी में महिलाएं मिल गई। पुलिस को 9 महिलाएं तथा एक पुरुष मिला। उन्हें क्राइम ब्रांच कार्यालय लाकर पूछताछ करने पर सूरत जाने का पता चला। महिलाओं के साथ 5 बच्चे भी हैं। सभी 22 नवंबर की रात ट्रेन में सवार हुए थे। उन्हें बांग्लादेश के दलाल ने हावड़ा के दलाल का नंबर दिया था। 2 युवतियों को अधिक पैसे कमाने का प्रलोभन देकर देह व्यापार, जबकि अन्य 7 महिलाओं को दूसरे अवांछित काम के लिए लाया गया था। हावड़ा पर दलाल सभी को सूरत भेज रहा था। सूरत का दलाल सभी को अलग अलग शहरों में रवाना करने वाला था। महिलाओं का कहना है कि बांग्लादेश में वे गरीबी की शिकार है, पैसे कमाने की लालसा में ये भारत आते हैं। कुछ महिलाएं पहले भी इसी तरह अवैध तरीके से भारत आई थी, कुछ समय ठहरने के बाद लौट गई। दोबारा काम मिलने का भरोसा दिलाने पर लौट आई। हावड़ा और सूरत के दलाल के पकड़े जाने पर ही इस रैकेट की सच्चाई सामने आ सकती है। फिलहाल पुलिस ने वांछित आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अगली खबर, महानगर पालिका ने चालू आर्थिक वर्ष में 332 करोड़ रुपए की कर वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। 651 करोड़ रुपए का पुराना बकाया है। 8 माह संपत्ति कर की 115 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब नोटिस देने के बाद भी प्रतिसाद नहीं देने वाले 311 बकायेदारों को संपत्ति नीलामी की जाएगी। पिछले 1.5 वर्ष में कोविड की वजह से कर वसूली प्रभावित हुई है। संपत्ति कर विभाग ने पहले नोटिस जारी किए, इसके बाद वारंट जारी कर बकाया भुगतान करने का अवसर दिया है। इसके बाद भी 311 बकायेदारों ने कोई प्रतिसाद नहीं दिया है। अब उनकी संपत्ति नीलाम करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति पर विभाग की ओर से 20,183 बकायेदारों को, इनमें से 7,130 बकायेदारों ने भुगतान कर दिया है। बकाया भुगतान नहीं करने वाले 13,153 संपत्ति जब्त की गई है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार। और आप देख रहे हैं।